उठेगा तब इसमें नंबर सेंस करेगा ये सीटी कि कितना एम्पेयर तार से करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल एम्पेयर मीटर की कनेक्शन कैसे की जाती है, इसको करने के लिए क्या क्या सामान की रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक डबल पोल की एमसीबी है, एक सीटी है जिसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, और ये हमारे पास सिलेट का MA202 डिजिटल एम्पेयर मीटर है। तो यही इस वीडियो में कंप्लीट इसकी कनेक्शन दिखाएंगे और ये कहाँ पर यूज होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इसकी कनेक्शन करने के लिए ड्रॉइंग दिया रहता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों ये N लिखा हुआ है, मतलब यहाँ न्यूट्रल देंगे, ये L लिखा हुआ है, यहाँ लाइन देंगे, और यहाँ पर S1 S2 जैसे कि सिटी में लिखा रहता है। आप देख रहे हैं ये S1 है, S2 है। तो चलिए आप इसकी फटाफट से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल के वायर लगा देते हैं। तो यहां पर न्यूट्रल के वायर लगेंगे दोस्तों, ये हमने न्यूट्रल के वायर लगा दिया। अब इसको एमसीबी में जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिया हमने दोस्तों। अब एक लाइन का वायर इसमें जोड़ेंगे जो कि यहां पर L लिखा हुआ है 2 नंबर में, ये जोड़ दिया हमने दोस्तों। इसको ले जाकर एमसीबी के आउटपुट में जोड़ देंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों हमने जोड़ दिया लाइन न्यूट्रल। अब ये जो सिटी है इसकी कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है S1 S2, तो जो S1 लिखा होगा S1 में ही देना है, और S2 जो लिखा होगा वो इसको S2 में ही देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं हमने इसको यहाँ पर इसकी कनेक्शन कर दिए हैं कंप्लीट। अब इसको आपको चालू करके दिखाते हैं। तो आइए चालू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ये चालू हो गया, लेकिन अभी 0-0 बता रहा है। तो ये इसमें दोस्तों रीडिंग कब शो करेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि कोई मोटर की कनेक्शन हुई है या किसी मशीन की कनेक्शन हुई है, तो उस मशीन में टोटल कितना एम्पेयर ले रहा है। तो जो उस मशीन के मेन वायर होते हैं या सिर्फ मोटर के देखने होते हैं, तो जो 3-फेस मोटर होती है उनकी एक तार को इसमें दे देते हैं, और इधर से दोस्तों ये मोटर में कनेक्ट हो जाती है और ये लाइन में कनेक्ट हो जाती है, या जो स्टार्टर आते हैं उसमें कनेक्ट हो जाती है। तो जब मोटर चलेगी, मोटर में लोड उठेगा, तब इसमें नंबर सेंस करेगा ये सीटी कि कितना एम्पेयर तार से करंट फ्लो हो रहा है। यही सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है क्रिटिकल। बस इस एम्पेयर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो इसमें 2 तरह के भी आते हैं, एनालॉग भी आते हैं, डिजिटल भी आते हैं। तो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से होता है इसकी कनेक्शन। आई होप गाइस हमारी वीडियो आपको ये काफी पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिए एक लाइक, अपने इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए। अगर इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में दोस्तों।